Dear students, good morning. Today in online classes we will write the question answers of lesson first. Question first, explain hardships that Europe faced in 1830. आपको कठिनाइयाँ बताना है जो यूरोप ने 1830 में फेस की. The 1830 were called the years of the great economic hardship. ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक हार्डशिप का साल कहा जाता है कि यूरोप में विकास करता फॉलोइंग रीजंस निम्न कारणों के कारण. नंबर फर्स्ट, देयर वाज ए रैपिड इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, और तेजी से वृद्धि हुई इन द पॉपुलेशन, जनसंख्या में. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के प्रारंभिक हाफ में, विच लेड टू वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो गए. द अनएम्प्लॉयमेंट रूरल पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटी, और जो बेरोजगार जो ग्रामीण लोग थे वो गाँवों से शहरों की ओर चले गए फॉर अर्निंग ब्रेड, रोटी कमाने के लिए. दिस वर्सेंट द लिविंग कंडीशन इन टाउन, से कस्बों में जो लिविंग कंडीशन थी वो बहुत खराब हो गई. चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, और सस्ता जो मशीन के द्वारा बना हुआ जो सामान था इंग्लैंड से मेड इट पॉसिबल, उसने इसे संभव बनाया. फॉर द स्मॉल प्रोडक्शन ऑफ टू कंपेयर, छोटे से उत्पादन पर कंपेयर करने के लिए पीरियड सफर्ड बिकॉज ऑफ द लेस एग्रीडियन फैसिलिटी, जो किसान थे वो कम खेती संबंधी सुविधाओं से सफर करते थे. बर्डन का फ्यूडल ड्यूज, और जो फ्यूडल ड्यूज का जो उन पर कर्जा था बोझा था, एंड द ऑब्लिगेशंस, और एहसान थे. बैड हार्वेस्ट और खराब फसल, एंड प्राइस रिवर प्राइस और कीमत बढ़ जाना, इट लीड टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी, इससे बड़ी मात्रा में रूरल पॉवर्टी हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ द नेशन स्टेट की थ्री फीचर्स बताना है. दैट एमर्ज इन यूरोप एमर्ज इन द 20th सेंचुरी 20वीं सदी में. आंसर, द फर्स्ट कंसेप्ट एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मॉडर्न स्टेट. मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट था जो पार्टिकल्स थे, दिस सोवरेन सेंट्रलाइज्ड पावर डेवलप इन यूरोप, इसके कारण यूरोप में पावर डेवलप हुआ. नेशन स्टेट वाज सपोज्ड टू बी ए स्टेट, और नेशन स्टेट को माना गया टू बी ए स्टेट वेयर मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस शेयर, जहाँ पर इसके बड़ी मात्रा में नागरिक लोग शेयर करते थे कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसी आइडेंटिटी को. एंड नेशन स्टेट नेशन बिगन टू बी पर्सोनिफाइड, और जो नेशंस हैं वो पर्सोनिफाइड होना शुरू हो गए. दे वर रिप्रेजेंटेड एज ए पर्सन विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट, और वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते थे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आइडेंटिफाइंग देयर नेशंस, जो कि उनके राष्ट्रों को आइडेंटिफाई करती थी, उनके पहचान को राइट एंड एक्टिव.